व्हाट इज़ स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये हमने डिटेल में देखा। इसके अंदर हमने की कंसेप्ट भी देखे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फिल्टर, प्रिंसिपल, ग्रांटेड अथॉरिटी, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर चेन। इसके अंदर के थोड़े बहुत पॉइंट्स हमें बाद में समझ में आएंगे जब हम इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी देखेंगे। ओके, और आज हम देखने वाले बेसिक एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। हमें पता है जैसे हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड कर दी थी, ऑल APIs बिकम प्राइवेट, ठीक है, और स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट सपोर्ट फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, या ऐसा बोल सकते हो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज ऑफन रेफर एज यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अब हम कुछ अपने हिसाब से कन्फिग्रेशन कर सकते, ये ऑथेंटिकेशन की जगह हम दूसरा ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। ओके, बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन आर अ सिंपल ऑथेंटिकेशन स्कीम बिल्ट इनटू द HTTP प्रोटोकॉल अलाउइंग अस टू प्रोटेक्ट अवर वेब रिसोर्सेज। ये तो समझ में आ गया है, ये ऑथेंटिकेशन है। ओके, अलाउइंग अस टू प्रोटेक्ट अवर वेब रिसोर्सेज। ऑल्दो बोथ बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज यूजर नेम एंड पासवर्ड टू ऑथेंटिकेट अ क्लाइंट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाउ दे वर्क एंड हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट्स देम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे हम अभी। बेसिक ऑथ यूजेज एंड HTTP हेडर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड वेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ओके, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो हमें पता है कि हम ब्राउजर से यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, लेकिन बेसिक ऑथ से हम API। ओके, बेसिक ऑथ से हम यूजेस HTTP हेडर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, हम इसे पोस्टमैन से देंगे। हम यहाँ पे पोस्टमैन पे जाएंगे, यहाँ पे बेसिक ऑथ सिलेक्ट करेंगे, बेसिक ऑथ सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑथ है यहाँ पे, एंड यूजर नेम पासवर्ड देंगे एंड सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन है, इसको हम पोस्टमैन से यूज़ करेंगे। हमें सिंपल है, API क्रिएट करना है हम, यानी डेटा कहाँ से भेजेंगे, JSON से भेजेंगे ना, ब्राउज़र से तो नहीं भेजेंगे हम, API पोस्टमैन ही यूज़ करेंगे। ओके ओके, द क्रीडेंशियल्स आर बेस 64 इनकोडिंग ऑफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड जॉइन बाय सिंगल कोलन। अनलाइक फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन डू नॉट यूज कुकीज, हेंस देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ सेशन और लॉगिंग आउट अ यूजर, विच मीन्स ईच रिक्वेस्ट हैज़ टू कैरी दैट हेडर इन ऑर्डर टू बी ऑथेंटिकेटेड। अभी जैसे मैंने बताया था आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी में, ये देखो इसके अंदर मैंने एक प्रिंसिपल बताया था। प्रिंसिपल क्या है, ऑथेंटिकेटेड यूजर, प्रिंसिपल इज द करेंटली लॉग इन यूजर। ओके, और ये क्या बोलता है कि वंस द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड द एप्लीकेशन रिमेंबर्स द यूजर एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज वाई वी डू नॉट रिक्वायर टू प्रोवाइड अ यूजर ID एंड पासवर्ड एट एवरी रिक्वेस्ट। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, ये मुझे फिर से हेलो वर्ड दे रहा है, इसने मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि कुकीज़ के फॉर्म में ये स्टोर कर रहा है कुकीज़, ठीक है। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए हमें बार बार यूज़र नेम पासवर्ड डालने की गरज नहीं है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में। लेकिन हमें फॉर बेसिक ऑथेंटिकेशन हमें हर बार यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड, सो दैट हम वो API को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। क्या है डिफरेंस, बेसिक ऑथेंटिकेशन डू नॉट यूज़ कुकीज़, हेंस देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ अ सेशन। तो सेशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहाँ पे है, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में, बेसिक ऑथेंटिकेशन में वो कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, विच मीन्स ईच रिक्वेस्ट हैज़ टू कैरी दैट हेडर इन ऑर्डर टू बी ऑथेंटिकेटेड, ईच रिक्वेस्ट हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड इन बेसिक और मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज स्टैंडर्ड HTML फॉर्म फील्ड्स टू पास द यूजर नेम पासवर्ड वैल्यूज टू द सर्वर। तो वही है, तुम्हें फॉर्म यूज़र बेसिक ऑथेंटिकेशन में तुम्हें यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, और ये फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में तुम्हें वहाँ पे सेशन का कंसेप्ट है, ये भी हमने देखा है। द सर्वर वैलिडेट्स अ क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड एंड क्रिएट्स अ सेशन टाइप टू अ यूनिक टोकन स्टोर इन अ कुकी एंड पास बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर ऑन ईच HTTP रिक्वेस्ट। इफ द कुकी इज इनवैलिड और द यूजर इज लॉग आउट, द सर्वर देन यूजुअली रिडायरेक्ट टू द लॉग इन पेज। तो वही है, मैंने आपको बता दिया है कि वो कुकी बनाता है, एंड देन ये पढ़ने से ही समझ में आ गया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन is used to authenticate a web browser based client and API
एंड बेसिक ऑथ इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन बिटवीन APIs. स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑफर टूल्स टू हैंडल बोथ सॉल्यूशन. ओके, तो हमें पता है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी जैसे ऐड कर देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करता है. हम थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन करके बेसिक ऑथेंटिकेशन में भी कर सकते हैं, एंड और कॉन्फ़िगरेशन करके हम JWT ऑथेंटिकेशन में भी कर सकते हैं. तो बेसिक ऑथेंटिकेशन इतना को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हर बार कोई भी API को एक्सेस करने के लिए तुम्हें यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट JWT ऑथेंटिकेशन ही करेंगे. तो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजेस अ चेन ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर. यह ना मैं अभी बताऊंगा ना इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, उसके अंदर डिटेल में समझेंगा कि फिल्टर्स क्या है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या है, प्रोवाइडर मैनेजर क्या है, एंड देन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज़र डिटेल सर्विस, एंड देन वो यूज़ करता है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को, एंड देन वो चेक करता है, वैलिडेट करता है. तो ये हम डिटेल में देखेंगे. अभी का इतना समझ जाओ, जैसे मैंने बता दिया कि जब भी रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर के पास, तो उन दोनों के बीच में होता है फिल्टर, या बोल सकते हो सेट ऑफ फिल्टर्स. सबसे पहले रिक्वेस्ट फिल्टर के पास आती है. ओके, तो सेट ऑफ फिल्टर से जो भी बेस्ट फिल्टर उसको लगता है वो यूज़ होगा, एंड वो रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथेंटिकेटर मैनेजर को. ठीक है, फिल्टर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को भेजेंगे. ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस है, वो हेल्प लेंगे प्रोवाइडर मैनेजर जो कि इम्प्लीमेंटेशन है उसकी. प्रोवाइडर मैनेजर सपोर्ट फंक्शन को कॉल करेगा और वो देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नेसेसरी या यूज़फुल है. तो कोई भी जो यूज़फुल रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड वो ऑथेंटिकेटर प्रोवाइडर यूज़र डिटेल सर्विस को कॉल करेंगे, वहाँ से वो डिटेल्स लेंगे, वो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को कॉल करेंगे. ठीक है, इससे पूरा वो डेटाबेस से डेटा चेक हो जाएगा और हमें ऑथेंटिकेट हो जाएंगे. ठीक है, तो बेसिक हम इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी में डिटेल में देखेंगे सब. स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजेस अ चेन ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर टू हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड ट्राई टू ऑथेंटिकेट देम. फॉर बेसिक ऑथेंटिकेशन द सिक्योरिटी फिल्टर इज बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर. जैसे बता दिया बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग यूजेस फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर. अब तुम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करोगे तो सिक्योरिटी फिल्टर कौन सा यूज़ करेंगे? बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर. एज फॉर फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, द सिक्योरिटी फिल्टर इज यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर. तो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर तुम यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फिल्टर कौन सा होता है? यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर. ओके, तो ये हमने देख लिया है. अभी हमने इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी देखेंगे ना, तब डिटेल में समझ जाएंगे. तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है. व्हेन एन इनकमिंग रिक्वेस्ट रीचेस अवर सिस्टम, जब भी रिक्वेस्ट आती है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट्स बाय चूजिंग द राइट सिक्योरिटी फिल्टर टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट. तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, स्प्रिंग सिक्योरिटी राइट सिक्योरिटी फिल्टर यूज़ करेंगे. इफ द रिक्वेस्ट अ पोस्ट कंटेनिंग यूजर नेम पासवर्ड एलिमेंट, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज चूजन. इफ द रिक्वेस्ट हैविंग हेडर ऑथराइजेशन, तो बेसिक Base64 encoded username password basic authentication filter यूज होगा. ये सब बताया यहाँ पे. ओके, तो हमने डिफरेंस देख लिया है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन में. ओके, एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी भी डिटेल में देख लिया. अब देखना हमें इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, सो दैट हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे रन होता है इंटरनली.